कार्यक्रम है दो जगह, तारापुर को शिशु स्थान में एक एक सभा जो है वो रखा गया है। हमको लगता है कि दोनों जगह जो है ऐतिहासिक जनसभाएं होंगी, और हो सकता है वो जनसभा नहीं बल्कि रैला का रूप जो है वो ले ले। खुद कई दिनों से घूम रहे हैं क्या? नहीं, हम घूम रहे हैं, हम लोग तो निश्चिंत हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है और आशीर्वाद जो है आप सब लोगों के सामने 2 तारीख को आ ही जाएगा। मैंने 90 के दशक में जो रैला होता था वही रैला होगा क्या? अरे भाई, अब जाके अब आप लोग, हम तो कहेंगे गवाह होइए, ऐतिहासिक जनसभा जो होने जा रहा है उपचुनाव, 6 साल बाद जो है जनता को संबोधन करेंगे, संवाद करेंगे, तो उस ऐतिहासिक जनसभा में आप सब लोग भी भागीदार रहिए। नीतीश कुमार उन्होंने कहा है कि आपने अकेले नीतीश कुमार का छक्का छुड़ा रखा है, पसीना छुड़ा रखा है, और हम आकर के अंत में कील भी ठोक देंगे अंतिम। 70 से 40 आ गए तो आ ही गए, इसमें किसी से छुपा थोड़ी ना, तीसरी नंबर की पार्टी है ना भाई, कोई छुपा हुआ है? ये तो सब देख ही रहे हैं, विधानसभा में कोई जवाब कहाँ रहता है इनको? कई बार हम आमने सामने हुए हैं, जो बहस हुए हैं, जिन सवालों को, जिन बातों को हमने रखा है, नीतीश कुमार जी के पास तो कभी कोई जवाब रहा ही नहीं। आप मेरा पहला भाषण अगर आप याद करें एज अ नेता प्रतिपक्ष, तो जो बातें हमने कही थी उसके बाद नीतीश जी का संबोधन हुआ तो नीतीश जी बोले हम आगे बताएंगे आगे बताएंगे, 10 मिनट में अपना भाषण उनको खत्म करना पड़ा। अच्छा, नीतीश कुमार कल कह रहे थे कि हालात सड़कों के, बिजली के, क्या हमसे कोई कंपटीशन करेगा, हमने कितना कुछ बदल दिया है? अरे नीतीश जी ने काम कुछ किया नहीं, तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उनको सृष्टि नजर आ रहा, समझ रहे भाई? कभी जाके बोले इतना महंगाई आज तक नहीं रहा, इतना बेरोजगारी अब तक नहीं रहा, कुछ ईश्वर स्थान में झूठ बोल करके आए हैं, कहीं सड़क है ही नहीं भाई। अभी वीडियो हम रिलीज करेंगे, मेरा हेलीपैड जो है कैसे कैसे अलग है पानी में से, फिर हम लोग जो है मंच पे जा रहे हैं, रिलीज करेंगे दिखाएंगे। और जो एक स्कूल है बोलते कि 12वीं तक की पढ़ाई कराई जा रही है, आज तक 12वीं तक की कोई क्लास ही नहीं हुआ रखी गई, केवल पेपर पे, केवल भ्रष्टाचार, केवल लूट, अपराध बढ़ा। हमने तो कई बार बजट सेशन में हमने विस्तार रूप से कंपेयर किया 1990 से लेकर 2005 का, और 5 से लेकर के आपका 18 तक का, तो कोई जवाब तो मिला नहीं। हालांकि नीतीश कुमार जी तो देश के सबसे शर्मीले मुख्यमंत्री हैं, उनको शर्म आती है बेरोजगारी पे बात करने में, कारखानों के बारे में बात करने में, महंगाई के बारे में, शिक्षा चिकित्सा के बारे में, बताए ना, आखिर उन्होंने तो कोई जवाब दिया नहीं। जब हम बोल रहे हैं कि अगर उपचार हो जाता, इलाज हो जाता, तो बाय इलेक्शन नहीं होता, कहाँ कोई जवाब मिला? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।